हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एम ई सी मतलब मार्जिन वर्ड्स में क्या है सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी जब भी कोई प्रोड्यूसर कहीं पे भी पैसा लगा रहा होता है तो उसके दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा के फला फला अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा तो जो भी उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है उसी को मार्जिन एफिशियंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इट एम्प्लॉयज द इनकम रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट

जो आने अभी एक्सपेक्टेड आता है बेसिकली इसमें उसे हम कहते हैं एम बी सी इन सिंपल इट इन टू द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम अ न्यू कैपिटल कोई भी आप न्यू कैपिटल कहीं लगाने जा रहे हो कोई मशीन है कोई पैसा है क्योंकि कैपिटल ब्रॉड टर्म है तो कहीं पे भी आप न्यू कैपिटल लगाने जा रहे हो तो कॉस्ट के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट होगा एक्सपेक्टेड उसको कहते हैं हम एम बी तो इन द वर्ड्स ऑफ डिलेड डिलेड हुए हैं काफी बड़े प्रोफेसर हुए हैं और थिंकर हुए हैं इकोनॉमिस्ट के द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैपिटल एसेट के किसी भी कैपिटल एसेट की क्या इज द हाइएस्ट रेट ऑफ रिटर्न ओवर द कॉस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडिशनल और मार्जिनल यूनिट ऑफ दैट टाइप ऑफ एसेट किसी भी कैपिटल एसेट में आ, आप लगाने जा रहे हो आ, अपना पैसा या फिर कोई एडिशनल कैपिटल <coughs> खरीदना चाह रहे हो तो उसकी जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है उसे हम एमई कहते हैं सॉरी <coughs> अब ये जो एम है एम मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ये किस पे डिपेंड करती है इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड सप्लाई प्राइस प्रोस्पेक्टिव पे डिपेंड करती है और सप्लाई प्राइस पे डिपेंड करती है तो इसका फॉर्मूला क्या है पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ स्मॉल एम इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ठीक है

एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी सप्लाई प्राइस एंड प्रोस्पेक्टिव वील्ड पे डिपेंड करती है अब ये सप्लाई प्राइस प्रोस्पेक्टिव वील्ड क्या होती है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा इसी में थोड़ा लंबा नहीं खींचूंगा तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी या एमबीसी क्या होता है टेक केयर हैव ए नाइस डे